भी है। बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है, दसवीं और बारहवीं के छात्रों से जुड़ी हुई। जी हां, दसवीं और बारहवीं के छात्रों को लेकर सरकार की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ी और आम घोषणा कर दी गई है और सभी छात्रों को एक बहुत ही बड़ी राहत प्रदान कर दी गई है। जी, सरकार की तरफ से कई सारे आम और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर मंथन शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द तैयारी की जा रही है कि बोर्ड की परीक्षाओं को जल्दी से जल्दी और एकदम नकल विहीन संपन्न करा जाए। इसको लेकर सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। चाहे भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्रों छात्राएं हैं तो आप तमाम छात्र जुड़ी सबसे बड़ी और आम खबर निकल के सामने आ रही है, जिसके संपूर्ण जानकारी और अपडेट हम जानेंगे इस वीडियो विद प्रू के साथ में। तो आप इस वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही आप अपने बोर्ड और राज्य के नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपके बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ, जितने भी बोर्ड परीक्षार्थी हैं आप सभी के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा मुख्य फैसला सामने आया है। जी हाँ, आप सभी को बताएं कि बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी से मंथन शुरू हो गया, ऐसे में दोस्तों सेंटर को बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बोर्ड परीक्षा को जल्द संपन्न कराने के आदेश जारी हुए हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा का आयोजन जो होगा वो दोस्तों 13 फरवरी से पहले ही कराया जाएगा, जिससे कि आप सभी ने फरवरी के भीतर आप सभी की बोर्ड परीक्षा को करा के आप लोगों का रिजल्ट मार्च के महीने में जारी हो जाए, क्योंकि मार्च के महीने में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी ने चुनाव प्रक्रिया तेज हो जाएगी तो दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं पर इसका असर हो सकता है। इसके वजह से बोर्ड परीक्षार्थियों को पेपर की भी हिंट दे दी गई है। जी आप सभी को बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं का पेपर क्वेश्चन बैंक यानी अनसॉर्ट से बनाया जाएगा। जितने भी दसवीं बारी के बोर्ड परीक्षार्थी अगर आप पास होना चाहते हैं अच्छे अंकों के साथ में, वह पूरी किताब कोई भी विद्यार्थी के लिए याद करना संभव नहीं होगा। वह दोस्तों अगर एक स्टेट या एक जिले की बात कर लेते हैं तो सभी स्कूलों में लिखवाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उसका मीन्स एक ही होता है, जिसके चलते आपको सरकार ने भविष्य को देखते हुए, जैसे कि आप सकते हैं ग्रेजुएशन में जब विद्यार्थी जाते हैं तो किसी प्रकार के आप जो होगा जो आपके नोटबुक होगी नोटबुक का आंसर सेम आप वहाँ नहीं लिख पाते, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझने के हिसाब से लिखना होगा। इस सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूलों को दिशा निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखवाने का प्रयास कराएं, उनका प्रैक्टिस कराएं, जिससे कि विद्यार्थी अगर हाई स्कूल और इंटर के पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर अगर आप रिलेटेड आंसर भी लिख देते हैं तब भी उस क्वेश्चन के पूरे नंबर दिए जाएंगे, भले उस क्वेश्चन के पास सटीक आंसर ना हो। जी हाँ, आप सभी को पता है इस बार बोर्ड परीक्षाओं को काफी का मूल्यांकन कार्य भी काफी तेजी से होगा। ऐसे में बोर्ड परीक्षार्थी जितना ज्यादा क्वेश्चन को अटेंड करेंगे उतना ज्यादा उनको पास होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सरकार ने बताया इस बार सबसे अच्छे अंकों के साथ वह सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को पास करेगा केंद्रीय विद्यालय। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है दोस्तों। आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी हर अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परेशानी आ रही वो आप सभी को बताएंगे। वह साथ में बताएंगे अगले बोर्ड परीक्षाओं में आपका क्वेश्चन जो है कहाँ से ले जा रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट का नाम जो लिखेंगे वो बताएंगे उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहाँ से बनाए जाएंगे, आप सभी को वहाँ से बहुत आसानी मिल सकेगी।